चुके हैं कॉर्नर जबरदस्त वीडियो के साथ में, तो सीधा चलते हैं न्यूज की तरफ। एंड जो पहली न्यूज आ रही है वह सौरभ जोशी ब्लॉग्स एंड कलका लौंडा की तरफ से। अब कलका लौंडा एक रोस्ट वीडियो डालते हैं सौरभ जोशी ब्लॉग्स के रिलेटेड, एंड वो चीज कहीं ना कहीं सौरभ जोशी ब्लॉग्स को पसंद नहीं आती, एंड बेसिकली वो एक कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देते हैं उसके ऊपर। एंड इसके ऊपर कलका लौंडा रिएक्ट करते हैं, यहाँ बोलते हैं हेल्दी रोस्ट रहना पाओ तो स्ट्राइक पड़वा दो, वेल डन जोशी साहब। एंड इसके बाद वो कुछ स्टोरीज वगैरह पोस्ट करते हैं एंड इस सब के ऊपर रिएक्ट करते हैं, देखो क्या ही बोलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं चैनल पे पहले से ही दो बार भैया हैक हो चुका है मेरा चैनल, और व्यूज तो आते नहीं, डेडी हो चुका है। फिर भी मैं अपने आप को हार ना मानू करके मोटिवेट कर रहा हूँ, है ना, कैसे करके वीडियो बनाता हूँ। एंड देन लेटेस्ट मैंने कल ही वीडियो बनाया सौरभ जोशी पे, और क्या हुआ पता है, आदमी के तन बदन में आग लग गई, ठीक है, कुछ वैलिड पॉइंट्स बोल दिए मैंने, थोड़ा सा क्या रोस्ट कर दिया भाई, कलेजे में आग लग गई, पड़वा दिया स्ट्राइक। सही है भाई, वेल डन, आप आज की डेट में इंडिया के नंबर वन व्लॉगर हो, ठीक है, सब्सक्राइबर काउंट में देखा जाते हो तो आप इंडिया के नंबर वन व्लॉगर हो, और आप ऐसा काम कर रहे हो, सही है, ऐसी स्ट्राइक पड़वाते रहो, सही है। मतलब कोई बंदा आपको थोड़ा सा रोस्ट कर दे तो आपको इतना लग जाता है, आप अगर मेरे को मैसेज करते ना तो मैं वीडियो को प्राइवेट कर देता, बट नहीं, हमको तो सीधा स्ट्राइक पड़वाना है, चैनल तो वैसे ही लगे हुए हैं, अब एक स्ट्राइक पड़ जाएगा तो और हो जाएंगे, ठीक है भाई, करियर खा जाओ किसी का, बढ़िया है, बढ़िया है सर। इसके ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है वो है कि यहाँ पे स्ट्राइक हट चुकी है, एंड इसके ऊपर कलका लौंडा रिएक्ट करते हैं एंड यहाँ बोलते हैं वीडियो वापस आ गई है, स्ट्राइक हट गई है, आप सब जाके देखिए एक बार और बताएं कि मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जिसके कारण स्ट्राइक आ गई थी, 4 से 5 घंटे के अंदर स्ट्राइक हट गई है सिर्फ आप लोगों के प्यार के कारण। जो भी सपोर्ट कर रहा है दिल से थैंक यू, वीडियो जल्दी बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। अब पता नहीं क्या सीन हुआ था, क्यों यहाँ पे स्ट्राइक पड़ गई थी, मतलब सौरभ जोशी ब्लॉग्स मतलब जाने नहीं जाते ऐसे स्ट्राइक वगैरह मारने के ऊपर। इस सब के ऊपर सौरभ जोशी ब्लॉग्स तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर वो रिएक्ट करेंगे तो तुम्हारा भाई तुम्हें सबसे पहले बता देगा। उसके लिए अगर तुमने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सीरियसली सब्सक्राइब बटन को ठोक के आ जाओ। एंड बढ़ते भी अगली स्टोरी की तरफ, एंड जो की स्टोरी थी पिछली संभावना सेट की तरफ से आ रही। अब संभावना सेट का एक व्लॉग था जो कि 16 जून को आया था, मतलब आज से 2 या 3 हफ्ते पहले का व्लॉग था वो। एंड उसमें उन्होंने अनजाने में एक झारखंड की ट्राइबल लैंग्वेज का मजाक उड़ा दिया था जिसके कारण उनको काफी ज्यादा हेट मिल रही थी, एंड उसके रिस्पॉन्स में वो एक अपोलॉजी वीडियो डालती है एंड देखो क्या ही बोलती है। जो ये वीडियो बना रहे हैं ये कोई व्लॉग नहीं है, ये वीडियो कनेक्टेड है उस वीडियो से जो हमने हाल ही में डाला था, 16 जून को डाला था, जिस वीडियो का टाइटल था दीदी ने हंसा हंसा के पागल कर दिया या मार डाला। और अभी हमें ये रियलाइज़ हुआ और पता चला कि वो वीडियो में एक भाषा इस्तेमाल हुई थी जो कि आदिवासी कम्युनिटी की भाषा है, जो कि झारखंड की कम्युनिटी है और उसमें लाखों लोग आते हैं। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी लोग इस वीडियो से हर्ट हुए हैं और उनको ठेस पहुँची है। तो जितने भी हमारे हमारा मतलब ऐसा नहीं था, हम लोग तो ह्यूमरस वीडियोस बनाते हैं और हमारा मतलब सिर्फ ह्यूमर क्रिएट करना था, हंसाना था, हंसना था, वो मतलब नहीं था कि किसी का हम मजाक बनाएं या किसी कम्युनिटी का मजाक बनाएं। और आपको पता ही है कि जब आप ह्यूमर के लिए कुछ बोलने जाते हो हमारे वीडियोस में स्क्रिप्ट नहीं होती है तो कई बार मुँह से गलत चीज़ निकल जाती है, गलती हो जाती है। तो उसी गलती के लिए हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं भी करते हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं और पूरी जो कम्युनिटी है, उन सबसे हम दोनों माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी बहुत दुख हुआ है इस चीज़ से जो हमने कमेंट्स पढ़े लोगों के कि लोगों को ठेस पहुंची है, और हमारी इंटेंशन बिल्कुल भी आपको दुख या चोट पहुंचाने की नहीं थी। हम लोगों को एक्चुअली रियलाइज़ नहीं हुआ बहुत, जब आप लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह पर लिखा और हमें टैग किया तब हमें मालूम पड़ा, रियलाइज़ हुआ कि हमसे ये गलती हुई है और हमने वो वीडियो रिमूव कर दिया है आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिस्पेक्ट के लिए। तो हम लोग ये कभी नहीं करना चाहेंगे कि किसी को भी, किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाए, किसी भी कम्युनिटी के दिल को ठेस पहुंचाए, हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ प्यार फैलाना है, खुशियां फैलाना है, एंड दैट्स इट। तो हम दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं, दिल से माफ़ी मांगते हैं। आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी भाषा का, कम्युनिटी का, चाहे देश में या दुनिया में कहीं भी, का मजाक हमारे थ्रू ना बने, और ये पूरी कोशिश रहेगी। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, अगर हमसे कोई गलती होती है फिर से तो प्लीज़ हमें बताएं, पता लगना ज़रूरी है, एहसास होना भी ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच। सो यस गाइस, दिस इज समथिंग अप्रिशिएबल, मतलब उनको यहाँ पे ये चीज़ पता चली कि उनकी जो वीडियो से कुछ लोग भी यहाँ पे हर्ट हुए, तो उन्होंने यहाँ पे एक अपॉलॉजी वीडियो डाल दी, मतलब ये एक चीज़ काफ़ी एक अप्रिशिएबल है। एंड इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट से जरूर बताना। एंड बढ़ती हुई अगली स्टोरी की तरफ, एंड जो अगली स्टोरी बेसिकली देसी गेमर्स की तरफ से रही। अब देसी गेमर्स को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग ये बोल रहे थे कि क्यू एन ए वीडियो बनाओ, क्यू एन ए वीडियो बनाओ। एंड जब उन्होंने क्यू एन ए वीडियो बनाई तो उनको पता चला कि ये वाले जो क्वेश्चन है वो उन्होंने ऑलरेडी पहले के क्यू एन ए में आंसर कर रखे, एंड ये काफ़ी एक बोरिंग वीडियो लग रही थी उनको। सो इस सब के ऊपर वो रिएक्ट करते हैं, देखो क्या ही बोलते हैं। सो गाइस, मैंने अभी अभी क्यू एन ए वाला वीडियो पे पूरा काम किया, एडिट किया, सब कुछ रेडी है, बट मेरे को वीडियो उतना खास नहीं लगा। वही मतलब जो हमने 7 मिलियन स्पेशल क्यू एन ए किया था, सेम टू सेम ऐसे ही लग रहा है, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर सब कुछ, मतलब वही जैसे लग रहा है।
कुछ नया नहीं लगा। तो मैं चाहता हूँ गाइस इस बार आप लोग अपना कैमरा ऑन करो एंड विथ फेस कैम स्टोरी में मेरे को कुछ जो पूछना है पूछो, और इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। एंड नेक्स्ट वीक क्यू एन ए आएगा, आप लोग का जो क्वेश्चन है कैमरा ऑन करके पूछ सकते हो। सो यस गाइस, मुझे क्यू एन ए का एक चीज पसंद नहीं आती है, यहाँ पे जितने भी मैंने क्यू एन एस फॉलो करे, मतलब जितने भी मैंने यूट्यूबर्स को फॉलो किया इनके क्यू एन एस को देखा है, तो मुझे एक चीज जो पैटर्न समझ में आया है कि जो 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स ने पिछले अपने क्यू एन ए में उस चीज को आंसर कर दिया होता है। एंड ये चीज कभी समझ में नहीं आई कि फिर भी यूट्यूबर क्यों वाले क्वेश्चन को उठाते हैं एंड उसी को आंसर करते हैं, एंड क्यों यहाँ पे व्यूवर्स या उनकी ऑडियंस वही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। आप इस सब के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट से जरूर बताना। एंड बढ़ती भी अगली स्टोरी उसने बोला कि उसकी बहन प्रेग्नेंट हो गया और उसको वो 6 महीने में प्रेग्नेंट हो गए, तो वो 6 महीने का बच्चा वो तकलीफ में, और मेरा बहन को भी वेंटिलेटर पे रखा है। एक बड़ा हॉस्पिटल है मुंबई का, इसका नाम है नानावटी हॉस्पिटल। तो मुझे बोला कि अभी तक हमने 14.5 लाख रुपए वो हॉस्पिटल में भर चुके हैं, तो एक दिन का 1 लाख रुपया खर्चा है ऐसा उन लोग बोल रहे हैं। तो हमारी इतनी हैसियत नहीं, गरीब लोग थे, हैसियत नहीं है, तो भाऊ आप कुछ तो करो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ ना कुछ तो जितना मेरे से होता है मैं मदद करता हूँ करके। वो दूसरे या तीसरे दिन फिर से आया और बोला कि मेरी बेन ऑफ हो गया करके, और हॉस्पिटल वाले बोल रहे कि आपका बैलेंस 13 लाख रुपया कुछ बाकी है, वो भरना पड़ेगा, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है बोलते, वरना बॉडी नहीं देंगे। अरे ऐसा कैसा बॉडी नहीं देंगे, हालांकि कानूनी कानून के हिसाब से कोई भी हॉस्पिटल में आप बॉडी रख नहीं सकते, वो पैसा भरो या नहीं भरो बॉडी रख नहीं सकते। मगर कुछ लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं, डॉक्टर डराते हैं, हॉस्पिटल वाले डराते हैं, इसकी वजह से उन लोग नर्वस होके कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ से पैसे जमा करके उन लोगों को भरते। तो फिर उस दिन मैं गया वहाँ पे और मेरे तरीके से समझाया, मैं जो समझाने का तरीका है मेरा, जो प्यार मोहब्बत से नहीं समझते वो तरीके से समझाया, और वो जो जिनकी बॉडी थी वो लड़की, वो मैंने इनको हैंड ओवर कर दी फिर से बिना 1 रुपया भरे, इनको फिर से दे दी वो बॉडी। यानी आप सोचो कि आज ये हॉस्पिटल माफिया कितने कितने ज़रूरतमंद लोगों को लूट रहे हैं, कितने तकलीफ दे रहा है ये लोगों को ऐसे हालात में, जो आज घर में अनाज के वांदे हैं लोगों के, दवाई के वांदे हैं, अभी अभी कहीं कहीं दुकानें खुल गई, लोग जॉब पे जाना चालू हो गए, फिर भी इन लोग ऐसे जरूरतमंदों के साथ जो कर रहे, शर्म आनी चाहिए। सो यस गाइस, इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट से जरूर बताना। एंड बस यार आज के लिए बस इतनी वीडियो, तो फिर मिलेंगे जल्दी से एक और जबरदस्त वीडियो के साथ।